दोस्तों, आपने इस चैनल पर सोलर सिस्टम और सोलर सिस्टम के ग्रह के विषय में अच्छी तरह जान चुके होंगे, पर आज मैं इस वीडियो में सोलर सिस्टम जैसा ही और एक प्लेनेटरी सिस्टम की जानकारी देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। जैसे हम हमारे प्लेनेटरी सिस्टम को सोलर सिस्टम कहते हैं, वैसे ही इस प्लेनेटरी सिस्टम को केपलर 90 सिस्टम कहते हैं। यह केपलर 90 सिस्टम अनोखा इसलिए है कि इस केपलर 90 सिस्टम में भी हमारे सोलर सिस्टम जैसे 8 ग्रह हैं। इस प्लेनेटरी सिस्टम में जो केंद्र में स्थित तारा है, उस तारे का नाम केपलर 90 है। इस कारण इस प्लेनेटरी सिस्टम को केपलर 90 सिस्टम का नाम दिया गया है। अगर मैं केपलर 90 तारे के विषय में बात करूँ तो यह तारा पृथ्वी से 2544 प्रकाश वर्ष दूर है। केपलर 90 का व्यास लगभग 16,69,700 किलोमीटर है, यानी हमारे सूर्य से 1.2 गुना ही बड़ा है। और हमारे पृथ्वी से व्यास के हिसाब से केपलर 90 तारा 131 गुना बड़ा है। दोस्तों, केपलर 90 तारे की एक हैरान करने वाली बात यह है कि इस तारे की गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी मजबूत और ज़्यादा है कि पृथ्वी से 2561.4 गुना अधिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। यानी पृथ्वी पर 100 किलो की चीज़ केपलर 90 तारे पर 256,140 किलोग्राम की होगी। और तो और, सूर्य से भी 91.6 गुना अधिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति केपलर 90 तारे में है। केपलर 90 यह तारा ड्रेको तारामंडल में स्थित है। तापमान की बात करूँ तो केपलर 90 का तापमान 6,080 डिग्री सेल्सियस है और वही सूर्य का तापमान 5,504 डिग्री सेल्सियस है। कहा जाता है कि केपलर 90 तारे की आयु लगभग 2 बिलियन साल पुरानी है, यानी हमारे सूर्य के बाद यह तारा बना होगा, क्योंकि हमारा सूर्य 4.6 बिलियन साल पुराना है। केपलर 90 तारे की खोज 7 मार्च 2009 को शुरू हुई। 7 मार्च 2009 में नासा ने एक टेलीस्कोप लॉन्च किया था, जिसका नाम था केपलर स्पेस टेलीस्कोप। इस टेलीस्कोप ने 2013 में केपलर 90 तारे के साथ और 7 ग्रह की खोज की, और वह 7 ग्रह केपलर 90 तारे की परिक्रमा कर रहे थे। तभी नासा के वैज्ञानिकों को यह समझ आया कि यह तो एक प्लेनेटरी सिस्टम है। आपको बता दूं कि केपलर 90 तारे का केपलर स्पेस टेलीस्कोप के खोज के बाद केपलर 90 नाम रखा गया। उसके बाद केपलर 90 तारे के परिक्रमा करने वाले 7 ग्रह के भी नाम रखे गए, जैसे केपलर 90b, केपलर 90c, केपलर 90d, केपलर 90e, केपलर 90f, केपलर 90g, केपलर 90h। उसके बाद 8वां ग्रह दिसंबर 2017 में गूगल की मदद से खोजा गया और उसका नाम केपलर 90i रखा गया, जो कि केपलर 90c ग्रह और केपलर 90d ग्रह के बीच में है। दोस्तों, इसके बाद के वीडियो में केपलर 90 तारे के 8 ग्रह के विषय में डिटेल्स में जानकारी दूंगा। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। हमारे और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।